गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.5. लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बाद में, पहले आपको बताता हूँ व्हाट इज आइडेंटिटी. क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर क्या होगा कि आपके, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर जाते जाते बताया था ये वाली चीज़ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लीकेशन हम कर रहे हैं अभी, ठीक है. उसमें अगर आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है, आइडेंटिटी होता है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप की सिचुएशन बनती है तो उनको डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज़ करके आप सोल्व कर सकते हो. बार बार आइडेंटिटी वर्ड आइडेंटिटी वर्ड आइडेंटिटी वर्ड आ रहा है, होता क्या है आइडेंटिटी वो देखते हैं अभी, ठीक है. समझाने के लिए आइडेंटिटी को टॉपिक तो डाल ही लो, एक एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को. मैंने लिखा ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ठीक है. ए प्लस बी को आपको मल्टीप्लाई करना है. ए प्लस बी से आप लोग जानते हो कैसे करते हो कि भाई ये ए वाला प्रसाद है ये भी इन दोनों को मिलेगा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू निकलेगी ए इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ए मल्टीप्लाई ए इज ए स्क्वायर. फिर ये वाला ए है प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ए बी. अब ये बी वाला प्रसाद है ये भी इसको मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो बी जब ए को मिला तो बी ए या फिर ए बी. मैंने कहा था अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो इसको. और फिर बी मल्टीप्लाई बी मीन्स बी स्क्वायर और सारे प्लस है. अब लाइक टर्म को कंबाइन कर दो, इसका मतलब ये ए स्क्वायर प्लस ए बी ए बी, एप्पल प्लस एप्पल टू एप्पल, राइट. सो इट्स टू ए बी प्लस बी स्क्वायर. इसका मतलब कि जो ए प्लस बी, जो आपका क्वेश्चन था ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, उसका आंसर क्या निकल के आया, ये आंसर निकला. ये होता कल वाला पार्टी कर रहे हैं अभी भी, ठीक है ना. अगर क्वेश्चन ये है तो इसका आंसर क्या निकल के आया, ये निकल के आया. अच्छा आपको एक चीज़ बताया, अगर मैं 5 मल्टीप्लाई 5 लिखूं तो इसका मीनिंग होता है 5 स्क्वायर. किसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाता है, स्क्वायर. 6 मल्टीप्लाई 6 इज 6 स्क्वायर, x मल्टीप्लाई x इज x स्क्वायर. तो यहाँ अगर ध्यान से देखें तो a प्लस बी और a प्लस बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो कैन आई राइट a प्लस बी होल स्क्वायर. यानी जो मेरा क्वेश्चन था a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, उस क्वेश्चन को क्या मैं a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं. और इसका आंसर क्या निकल के आया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन हमारा है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, इसको भाई स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि भाई एक बार a प्लस बी और एक बार a प्लस बी और बाद में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो. ये निकालना आपको आता है. लेकिन क्या जरूरी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि इस तरह से आए क्वेश्चन, ठीक है, तो उसके आंसर के लिए आप उसको ब्रैकेट को ओपन ऐसे करना पड़ेगा, भाई इसका स्क्वायर लिख निकालना है आपको. अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 स्क्वायर क्या होता है या 7 स्क्वायर क्या होता है, तो बच्चों की तरह अगर करोगे स्टार्टिंग से तो आप इसे लिखोगे 5 मल्टीप्लाई 5, इसको लिखोगे 7 मल्टीप्लाई 7 और आंसर लिख दोगे 25, आंसर लिख दोगे 49. लेकिन जब धीरे धीरे हम ये वाली चीज़ सीख जाते हैं तो क्या आप इसको ऐसे लिखते हो, नहीं लिखते. हम डायरेक्ट लिखते हैं 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25, 9 स्क्वायर 81. बताओ डायरेक्ट लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं. तो यहाँ भी डायरेक्ट लिखना सीखेंगे हम इस चीज़ को कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो ये नहीं होता, ये होता है डायरेक्ट, ठीक है ना. ये स्टेप बीच का हटा दो, जैसे हमने ये वाला स्टेप हटा दिया बीच का, 9 मल्टीप्लाई 9 11 मल्टीप्लाई 11 वाला बीच का स्टेप हटा दो. डायरेक्ट याद किए आप लोगों ने उस वे में, इसको भी करो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब आपको सर रटना हो गया, रटना नहीं है, मैं याद करवा दूंगा और अभी याद हो जाएगा 2 मिनट में. पहले तो ये समझ लो कि हमें ये करना आ गया कि अगर क्वेश्चन ये होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और उसके बाद हम इसको ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, ये करना तो आता है, ठीक है. अब बात आती है इसको डायरेक्ट याद कैसे करें, तो डायरेक्ट याद कराना मेरा काम है, बस लिख लो. एंड दिस इज़ योर फर्स्ट आइडेंटिटी. अभी भी क्वेश्चन वही बना हुआ है, सर आइडेंटिटी होता क्या है. मान ली आपने कि एक आइडेंटिटी ये है, इसका मतलब कभी ऐसा आएगा तो हम डायरेक्ट ये यूज़ करेंगे. याद कैसे करना है वो मैं बताऊँगा अभी. फिर क्वेश्चन वही लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. व्हाट इज़ आइडेंटिटी अभी बताते हैं, ठीक है. आइडेंटिटी है क्या, इसको नोट करो एक बार, राइट. फिर चलते हैं व्हाट इज़ आइडेंटिटी पे, क्योंकि क्वेश्चन अभी उसका आंसर नहीं मिला है. आइडेंटिटी होती क्या, आपने देखिए एग्जांपल दे दिया कि दिस इज़ आइडेंटिटी, होता क्या है, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी. हाँ चलो, तो पहले हम इसको याद करना सीख लेते हैं एक बार, ठीक है, फिर बताता हूँ डिफरेंस क्या है. अच्छा जी, इसका मतलब क्या हर बार क्वेश्चन ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, क्या यहाँ पे कुछ और नहीं हो सकता ए प्लस बी की जगह, माइंड में ये भी निकल गया था.
कि ए प्लस बी की जगह कुछ और भी हो सकता था, एक्स प्लस वाई हो सकता है, टू एक्स प्लस थ्री हो सकता है, एक्स प्लस टू वाई हो सकता है, तो क्या हर बार ऐसा बनेगा? बिल्कुल बनेगा, ठीक है, वो भी बताता हूँ अभी। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल टू वन रखूँ और बी इक्वल टू टू रखता हूँ इसके अंदर, इसको बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS, बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल के राइट हैंड साइड इक्वल के, मैंने ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू टू पुट किया, LHS की वैल्यू क्या निकली? LHS में ए की जगह रखा वन, बी की जगह रखा टू और इसका स्क्वायर, दैट मीन्स वन प्लस टू थ्री, थ्री स्क्वायर, LHS की वैल्यू निकल के आई नाइन। RHS में रखो ए स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर, टू मल्टीप्लाई ए मीन्स वन मल्टीप्लाई बी मीन्स टू, प्लस बी स्क्वायर मीन्स टू का स्क्वायर, वन स्क्वायर वन, टू टू जब फोर, प्लस टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस फोर एट और वन नाइन। क्या दिखा हमें? कि LHS RHS की वैल्यू सेम है, ए इक्वल टू वन बी इक्वल टू टू रखने पे, ठीक है। एक बार और रख के देखते हैं, मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, मैंने रखा ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू माइनस वन, रख सकते हैं, ठीक है। ए इक्वल टू जीरो तो LHS की वैल्यू निकली आपकी ए इक्वल टू जीरो, प्लस बी की वैल्यू माइनस वन, तो ये हो गया माइनस वन एन स्क्वायर, और माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है? प्लस वन। और RHS की वैल्यू क्या निकलेगी इससे? RHS में आप रखा ए की जगह जीरो, जीरो का स्क्वायर तो जीरो होता है, छोड़ दो इसको, प्लस टू मल्टीप्लाई जीरो मल्टीप्लाई माइनस वन, तो जीरो हो जाएगा पूरा, और फिर बनेगा बी स्क्वायर मीन्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू वन, यानी अगेन LHS इक्वल टू RHS निकल के आ गया। इसका मतलब ऐसा कोई रिलेशन या ऐसा कोई इक्वलिटी जिसमें इक्वल साइन लगा हो, ऐसा कोई रिलेशन हो दैट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू। आप ए और बी की जितनी मर्जी वैल्यू रख के देख लो, जो मर्जी आपके मन में आ रहा वैल्यू रख के देख लो, LHS RHS हमेशा सेम आएगा। और अगर ऐसा होता है देन इट इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी मतलब एक रिलेशन हो गया, एक इक्वलिटी हो गई, ठीक है। इक्वलिटी क्यों बोल रही है? इक्वल साइन लगा हुआ, एक ऐसा रिलेशन है दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, वो हमेशा ट्रू रहने वाला है, ठीक है। ये होता है आइडेंटिटी, बात समझ में आ रही है? आप कुछ रख लो, तो ये वाला रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि कभी हमारा क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करने की जगह इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, या दूसरे की जगह इसकी वैल्यू फाइंड हो सकती है। तो अब देखते हैं इसका यूज़ कैसे करेंगे। देख तो लिया आइडेंटिटी का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या? ऐसा रिलेशन दैट इज ऑलवेज ट्रू, कोई वैल्यू रख के देख लो, दुनिया जहान की वैल्यू रख लो, इनफाइनाइट वैल्यू रख के देख लो आप इसके अंदर, वन टू टू माइनस फाइव थ्री, जो हमारा जी आ रहा है रख के देख लो, इट विल ऑलवेज ट्रू। अब मैंने कहा ये आइडेंटिटी है, ठीक है, और मैंने बता भी दिया, देख लो भाई मैंने दो वैल्यू रख के दिखाई, आपकी मर्जी, घर बैठो आराम से जितनी मर्जी रख के देखो, LHS विल ऑलवेज बी इक्वल टू RHS। अब बात आती है वहीं पे घूम के याद कैसे करें, रटवाता तो हुई नहीं मैं कोई चीज़ें, तो इसको कैसे याद करेंगे? बहुत ईजिली याद होगा, ठीक है, और इसको इस फॉर्म में नहीं, जितनी फॉर्म में बन सकता है हर फॉर्म में याद करवाऊंगा इसको भी मैं। हाँ जी, तो मैंने कहा कि a प्लस बी होल स्क्वायर, अच्छा एक चीज़ और है, एक होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, और कुछ लोग इसको अलग अलग याद करते हैं, ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो आप जानते हो क्या हुआ, a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये a माइनस बी अगर प्लस की जगह माइनस आ जाता है तो लोग इसको अलग तरह से याद करवाते हैं, वो छोड़ दो मैं ऐसा कुछ याद नहीं करवाने वाला, इसलिए आपकी जो टू आइडेंटिटीज़ हैं उनको मैं कंबाइन करके एक आइडेंटिटी में बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखा रखा है कि टर्म्स को विद साइन देखना स्टार्ट कर दो, तो a माइनस बी कुछ होता ही नहीं है, हमारे तो a प्लस बी है, बस b वहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है, टर्म है हमारी यहाँ पे a एंड सेकंड टर्म इज प्लस b, a माइनस बी फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म इज माइनस b, तो टर्म को साइन के साथ देख लो, तो आपको दो आइडेंटिटी याद नहीं करनी और एक भी याद नहीं करनी, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँगा। सुनो भाई, ये है प्रसाद, ठीक है, क्या है ये? प्रसाद लगा हुआ है। अच्छा एक चीज़ बताऊँ पहले, आप लोग इतना तो पता है कि अगर मैं ए बी का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछूं तो ये टू इसको भी मिलता है और टू इसको भी मिलता है, ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ बीच में क्या होता है? साइन मल्टीप्लाई का, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये मल्टीप्लाई होता है इसलिए ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यह मल्टीप्लाई नहीं है, बीच में ये सिंगल टर्म थी, ठीक है, ये सिंगल टर्म नहीं, टू टर्म्स हैं,
बीच में प्लस माइनस जो भी होगा होने तो उससे फर्क नहीं पड़ रहा, तो टू टर्म्स हैं यहाँ पे और बाहर है स्क्वायर, लेकिन तरीका तो वही है, प्रसाद तो सब में बटता है, तो कैसे बटेगा भाई। मान लो सपोज करो दो लोग हैं टोटल, ठीक है, मेरे पास में दो लोग बैठे हुए हैं और मेरे पास दो ही लड्डू हैं देने के लिए, किस किस तरीके से दे सकते हो आप। मान लो टू पर्सन है, एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, और मेरे पास टू लड्डू हैं देने के लिए, बताओ कैसे दोगे, किस किस तरह से दे सकते हो, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये नहीं सर इक्वल इक्वल देना है, लड़ाई कर लेंगे नहीं कर लेंगे, वो नहीं, किस किस तरह से दे सकते हो। तो हो सकता है कि मैं दोनों के दोनों इसको दे दूँ, इसको जीरो दूँ, हो सकता है, मेरी मर्जी, ठीक है। हो सकता है मैं इसको जीरो दूँ, इसको टू दे दूँ, दो ये दोनों इसको जा सकते हैं, या दोनों में इसको भी दे सकता हूँ, या हो सकता है दोनों को मैं एक एक दे दूँ। लड्डू को तोड़ना नहीं है, अब बताओ क्या इसके अलावा कोई भी चांसेज हैं देने का इनको लड्डू, नहीं है ना, क्या तो दोनों इसको दे दो, इसको मत दो, नाराज कर दो, या इसको नाराज कर लो, इसको दोनों दे दो, या दोनों को नाराज नहीं करना, दोनों को एक एक दे दो। इसके अलावा कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, बस हो गया अपना काम। क्या ये है आपका, मैं याद करवा रहा हूँ कैसे, ये लड्डू है टू, ये मैं ए को भी दे सकता हूँ, तो मैंने ए को लड्डू दे दिए दोनों, ठीक है, प्लस लग रहा है, प्लस ही चलेगा, ठीक है। या मैं बी को दोनों लड्डू दे दूँ, दे दिए, या फिर मैं दोनों को एक एक लड्डू दे दूँ, ए को भी एक लड्डू दे दूँ और बी को भी एक लड्डू दे दूँ, दे सकता हूँ। भाई एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको इसके अंदर, क्या अगर पावर टू है तो यहाँ पे कोफिशियंट टू आता है, पावर थ्री होगी तो कोफिशियंट थ्री आएगा, बात की बात है, ठीक है। तो ए को दोनों लड्डू मिले या बी को दोनों लड्डू मिले, या ए और बी दोनों को एक एक लड्डू मिला और कोफिशियंट आ गया टू, और एक एक लड्डू मिलता है तो हम उसको मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है ए पावर वन का मतलब ए होता है, बी पावर वन का मतलब बी होता है। अब आप कह रहे हो देखो कोई बना कि नहीं बना, ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर लिख लो, फिर प्लस टू ए भी लिख दो, ठीक है, ये पहले ए स्क्वायर लिख लो, प्लस टू ए भी लिख दो, प्लस बी स्क्वायर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो लड्डू बांटने आ गए, कैसे बांटेंगे कि फर्स्ट वाले को दे दी दोनों, सेकेंड वाले को दे दी दोनों, दोनों को एक ही दे दिया, बन गया। अब अगर इसी को मैं दूसरे तरीके से बात करूँ, ए प्लस बी नहीं, अब मैं बात करूँगा, अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो क्या करते, अरे दो टर्म है, लड्डू दो है, फर्स्ट को दोनों दे दो, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तब भी हम तो प्लस ही यूज करेंगे, माइनस अपने आप सही हो जाता है, कैसे वो भी बताएंगे। फिर वाई को दोनों दे दिए, फिर दोनों को एक एक दे दिया, एक्स भी एक बार और वाई भी एक बार। अगर ये क्वेश्चन ऐसे है कि इसको जनरल बना दूं मैं, एक जनरल कि आपके पास टू टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं टू, एक फर्स्ट टर्म है और एक सेकेंड टर्म है, वो कुछ भी हो सकती है, वो एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, वो ए हो सकती है, बी हो सकती है, वो टू एक्स हो सकती है, वो थ्री वाई हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, देर आर टू टर्म्स, देर आर टू टर्म्स। तो क्या करोगे, फर्स्ट वाले को दोनों लड्डू दे दिए, सेकेंड वाले को दोनों लड्डू दे दिए, और टू कोफिशियंट आता है, क्यों, क्योंकि पावर है टू, लड्डू दो थे, ठीक है, और दोनों को ऐसे बोल लो क्या कि फर्स्ट को दोनों दे दिए, सेकंड को दोनों दे दिए, दोनों को एक एक दे दिया, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, फर्स्ट को दोनों, सेकंड को दोनों, दोनों को एक एक, बोल दिया आराम से, बन रहा है अपने आराम से रिलेशन। ये एक बार इसको नोट करो। अब चलते हैं नेगेटिव वाला होता तो कैसे करते, और डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होंगी तो कैसे करेंगे इनको, ठीक है। मैंने कहा था एक ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है, अपने लिए तो ए माइनस बी कुछ होता ही नहीं, अपने लिए मेन आइडेंटिटी बन गई ये, क्या कोई ए प्लस बी नहीं, कोई एक्स प्लस वाई नहीं, कोई ए माइनस बी नहीं, कोई एक्स माइनस वाई नहीं, ठीक है, कोई पी प्लस क्यू नहीं, अपने लिए एक सिंपल सी बात है कि दो लोग बैठे हुए हैं, दो लड्डू हैं, ठीक है, बीच में साइन अपने लिए हमेशा प्लस होगा, ठीक है, माइनस वाले में तो प्लस ही लेंगे, टर्म्स को साइन के साथ उठाएंगे, राइट। तो फर्स्ट वाले के दोनों लड्डू, सेकंड वाले दोनों लड्डू, दोनों को एक एक लड्डू, बन गया। तो अपनी आइडेंटिटी अब ये मेन। अब आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपेंड, क्यों, क्योंकि छोटी सी चीज़ लिखी हुई थी, टू टर्म्स थी, स्क्वायर लगा हुआ था, कॉम्पैक्ट, आपने एक्सपेंड फैला दिया इसको, रहता फैला नहीं फैला रहता फैला दिया यहाँ पे, इसका मतलब एक्सपेंड करना बोलते हैं इसको, कि इस तरह से ब्रैकेट में हो तो इसको फैला दो, तो क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंड करना। तो एक्सपेंड करो, फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने आपका a माइनस बी, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन लिया मैंने x माइनस वाई,
थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, अब बुक के क्वेश्चन उठा लेते हैं, राइट। चलो पहले दो करते हैं फिर बुक के क्वेश्चन लूँगा। आइडेंटिटी हर बार लिखोगे हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन लिखो याद हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ध्यान से देखना कि एक तो है मेरे पास ए, एक है प्लस और माइनस बी। बताओ इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं है। क्यों नहीं है? ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लग रहा है, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लग रहा है, लगा हुआ है। ये ए के बाहर कुछ नहीं है, मतलब ए तो पॉजिटिव रहेगा, है पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव बनेगा, है। यानी कि इसको हमने माइनस बी को क्या समझ लिया, प्लस ऑफ माइनस बी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस अल्टीमेटली बनना माइनस ही है, इसलिए मैंने कहा। या चलो ऐसे भी मत करो, इसको छोड़ो। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे? टू टर्म्स, ठीक है। है फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? ए। सेकंड टर्म क्या है यहाँ पे? माइनस बी। इतना तो कर सकते हैं, टर्म्स निकालना तो बता रखा है अच्छे से कि फर्स्ट टर्म इज ए, सेकंड टर्म इज माइनस बी। अपन को तो प्लस ही आता है। अब आप आइडेंटिटी लिखोगे क्या कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर करना है? तो पहले फर्स्ट वाले को दोनों लड्डू दे दो, सेकंड वाले को दोनों लड्डू दे दो, दोनों को एक एक लड्डू दे दिया, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट वाले को, तो आपका क्वेश्चन क्या है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, इसका आंसर बनेगा फर्स्ट वाले को दोनों लड्डू दे दो, सेकेंड वाले को दोनों लड्डू दे दो, दोनों को एक एक लड्डू दे दो। ये बन गया आपका इडली का सांचा, होता है ना इडली खाते हैं, सांचा बन गया। ऐसे सांचा बनेगा, फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर, टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट को दोनों लड्डू, सेकंड दोनों लड्डू, दोनों को एक एक लड्डू, ठीक है। अब रख दो, फर्स्ट टर्म क्या है? ए। सेकेंड टर्म क्या है? माइनस बी। फर्स्ट टर्म क्या है? ए। सेकेंड टर्म क्या है? माइनस बी। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, और बाहर भी प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ठीक है। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है चीज़ को लेके, सर आइडेंटिटी याद कर लेते से अच्छा तो कि ए माइनस बी का स्क्वायर ये होता है, इतना लंबा लिखना पड़ा? लंबा नहीं लिखना पड़ रहा है, आपका एक ब्रेन में स्पेस कम यूज होगा पहली बात, और ये आपको छोटा क्वेश्चन इसलिए आपको लग रहा होगा याद कर लें। मैं कह रहा हूँ आइडेंटिटी याद नहीं करनी है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे इससे, और ये तो आपको लिखना है हर बार, ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रोसेस करना है फॉलो। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूँ इसके लिए, कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सेकंड क्वेश्चन टू टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म इज x, सेकंड टर्म इज माइनस वाई, फिर आप ये लिखोगे, इसका मतलब x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर बनेगा दैट विल बी फर्स्ट को दोनों लड्डू, सेकंड को दोनों लड्डू, दोनों को एक एक लड्डू। फर्स्ट मीन्स x, सेकंड मीन्स माइनस वाई, फर्स्ट मीन्स x, सेकंड इज माइनस वाई, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव टू टाइम्स हो गया पॉजिटिव, और बाहर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वाई स्क्वायर पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव एंड टू एक्स वाई, ठीक है। इनको नोट करो, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन ले रहा हूँ 9.5 के फर्स्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट रिलेटेड टू टूडेज आइडेंटिटीज। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.5, फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाई एक्स प्लस थ्री, सेकेंड क्वेश्चन इज 2y प्लस 5 मल्टीप्लाई 2y प्लस 5, ठीक है। कैसे करेंगे देखते हैं जरा भाई। देखो x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 है, तो आप इसको ऐसे मत देखो ना, कहीं ऐसा मत करने लग जाना कि x को दोनों से मल्टीप्लाई फिर 3 दोनों से मल्टीप्लाई। कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज सूटेबल आइडेंटिटी।
हमने अभी अभी कुछ सीखा है तो यूज़ करो। तो आप देखो यहाँ पे कि x प्लस थ्री टू टाइम्स है, तो यू कैन राइट x प्लस थ्री होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको कैसे करोगे, यहाँ फर्स्ट टर्म इज x, सेकेंड टर्म इज प्लस थ्री, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो आइडेंटिटी लिखो पहले, तो क्या कि अगर टू टर्म्स हैं एडिशन में हैं, उनका स्क्वायर करना है, तो पहले फर्स्ट को दोनों दे दो, सेकेंड को दोनों दे दो, टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट को दोनों दिया, सेकेंड को दोनों लड्डू दिए, फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसका मतलब कि जो x प्लस थ्री का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, फर्स्ट के दोनों लड्डू, सेकेंड के दोनों लड्डू, टू मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इज x, सेकेंड इज थ्री, फर्स्ट इज x, सेकेंड इज थ्री। एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर नाइन, और बाहर पॉजिटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, टू थ्री जा सिक्स एक्स। और इसको थोड़ा सा अगर आपको स्टैंडर्ड वे में लिखना है तो आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है पावर। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पावर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, तो फिर एक्स वाली टर्म, फिर बिना एक्स वाली टर्म। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है ना, ओरली करना है तो फर्स्ट वाले का स्क्वायर देखो, ओरली कैसे करोगे डायरेक्ट, इसको वेरीफाई करो अपने आंसर को, करोगे ऐसे पूरे प्रोसेस साथ में, आंसर वेरीफाई करो या ऑब्जेक्टिव के लिए करना है। फर्स्ट वाले का स्क्वायर होता है माइंड में, देखो इतनी प्रैक्टिस कर लोगे ना फिर माइंड में होने लगेगा। कैसे, अरे फर्स्ट को दोनों लड्डू, सेकंड को दोनों लड्डू, टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, माइंड में करो। फर्स्ट को दोनों लड्डू एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड को दोनों लड्डू थ्री का स्क्वायर नाइन, पॉजिटिव है कोई प्रॉब्लम नहीं, सारे पॉजिटिव, प्लस टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, टू इंटू एक्स इंटू थ्री एक्स सिक्स एक्स। ठीक है, और क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, टू वाई प्लस फाइव होल स्क्वायर। क्यों टू वाई प्लस फाइव, टू वाई प्लस फाइव टू टाइम्स है, नहीं है मल्टीप्लाई में है, तो होल स्क्वायर बन गया। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, आइडेंटिटी लिखोगे पहले तो यहाँ पे आप, ठीक है, या साइड में लिख सकते हो आइडेंटिटी को कि भाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का अगर होल स्क्वायर है तो फर्स्ट को स्क्वायर मिलता है, फिर सेकेंड को मिलता है, प्लस टू इंटू फर्स्ट और सेकेंड को एक एक लड्डू मिल जाते हैं। तो इसको क्या बनेगा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड। हो गया आपका इडली का सांचा रेडी, इस तरीके से फर्स्ट को दोनों लड्डू, सेकेंड को दोनों, फर्स्ट और सेकेंड को एक एक, राइट। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है आपकी टू वाई, सेकेंड टर्म क्या है आपकी फाइव, फर्स्ट को दोनों, टू वाई को दोनों, फिर फाइव को दोनों, फिर टू वाई को एक और फाइव को एक। टू का स्क्वायर ही मल्टीप्लाई में है, टू का भी स्क्वायर होगा, वाई का भी स्क्वायर होगा। टू का स्क्वायर इज फोर, वाई का स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब आप टू वाई का स्क्वायर करते हो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, टू वाई मल्टीप्लाई टू वाई, टू टू जा फोर वाई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, प्लस साइन का चक्कर नहीं, फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, फाइव टू जा टेन, टू जा ट्वेंटी वाई, तो आंसर इज फोर वाई स्क्वायर प्लस ट्वेंटी वाई प्लस ट्वेंटी फाइव। डायरेक्ट करना कैसे करोगे, फर्स्ट के दोनों लड्डू, फर्स्ट का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, तो डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, फर्स्ट का स्क्वायर, टू का स्क्वायर फोर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस स्क्वायर वाले टर्म के आगे कभी नेगेटिव नहीं लगता, ध्यान रखना। ठीक है, प्लस फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, प्लस क्यों सारे प्लस हैं, कोई झंझट ही नहीं है माइनस का, तो प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म दोनों प्लस हैं, टू टू जा फोर, टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, टू टू जा फोर, फाइव जा ट्वेंटी वाई, ये डायरेक्ट करना हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव वाले करते हैं इसके बाद में। तो डायरेक्ट करना हर हर क्वेश्चन में, एक बार उसको डायरेक्ट भी करके देखोगे अगर प्रैक्टिस करनी है तो। हाँ जी, अब नेगेटिव वाले करके देखते हैं, लेकिन हम तो उसको पॉजिटिव तरीके से ही करेंगे, कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं। थर्ड क्वेश्चन, टू टाइम्स दिख रहा है आपको ये, दैट मीन दिस इज 2a माइनस सेवन होल स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 2a, सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे माइनस सेवन,
और आपको पता है आइडेंटिटी क्या, कि अगर टू टर्म्स हैं उनका एडिशन हो और होल स्क्वायर, तो पहले फर्स्ट को स्क्वायर मिलता है, सेकंड को स्क्वायर मिलता है, टू इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, दैट मीन्स 2a माइनस 7 का स्क्वायर करना है आपको, तो पहले फर्स्ट वाले को दोनों लड्डू, प्लस सेकेंड वाले को दोनों लड्डू, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। हो गया सांचा रेडी, रख दो। फर्स्ट मीन्स 2a, सेकेंड मीन्स माइनस 7, फर्स्ट मीन्स 2a, सेकेंड मीन्स माइनस 7। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, साइन के प्रॉब्लम सॉल्व, बाहर तो प्लस है ही तो प्लस लग गया। 7 का स्क्वायर 49, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव माइनस साइन, 2 2 जा 4 7 जा 28, ये वो बेसिक याद रखना भाई, पहले साइन फिर कांस्टेंट फिर वेरिएबल। और इसको अगर प्रॉपर वे में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो यू विल राइट 4a² - 28a + 49। ठीक है, ये वाली चीज़ आपकी हो गई है। अब करते हैं इसको, रेशनल फॉर्म में है देखिए, डरना नहीं है, ये भी आराम से होगा, इसी तरीके से होगा, इसको करते हैं जरा। सो दिस विल बी 3a - 1/2, 3a - 1/2 टू टाइम्स, दैट मीन्स दिस इज 3a - 1/2 होल स्क्वायर। हेयर फर्स्ट टर्म इज 3a, सेकेंड टर्म इज माइनस हाफ, फर्स्ट टर्म इज 3a, सेकेंड टर्म इज माइनस हाफ, होने दो, अपन क्या जा रहे हैं, राइट। आइडेंटिटी तो लिखनी है आपको ऐसे, इसका मतलब कि 3a - 1/2 स्क्वायर विल बी फर्स्ट का स्क्वायर, सेकेंड का स्क्वायर, 2 × 1 × 2 ठीक है। फर्स्ट मीन्स 3a, सेकेंड मीन्स माइनस हाफ, फर्स्ट मीन्स 3a, सेकेंड मीन्स माइनस हाफ, राइट। 3 का स्क्वायर 9, a स्क्वायर इज a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस, काम खत्म। मैंने कहा कि स्क्वायर वाली टर्म कभी हो ही नहीं सकती नेगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव बनेगी बनेगी, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा उसका, माइनस का स्क्वायर प्लस, बाहर प्लस है ये ऑलरेडी। 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4, देखो भाई 1/2 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो न्यूमरेटर को भी पावर मिलेगी 2 और डिनोमेटर को पावर 2 मिलती है, ये हमने एक्सपोनेंट में देखा है, राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, चाहो तो इसको साइड में कर लो सोल्व, क्या कांस्टेंट कांस्टेंट मल्टीप्लाई, या चाहो तो एक स्टेप लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट 2 है, 3 है और हाफ है, माइनस साइन तो बाहर ला चुका हूँ ऑलरेडी, और वेरिएबल है ओनली a, 2 1 जा 2 2 1 जा 2, और अगर आप थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हो तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 इसी स्टेप में कर दो, एक स्टेप बचेगा, राइट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये रहेगा 9a², ये हो चुका है माइनस 3a और प्लस 1/4। डायरेक्ट कैसे करोगे, इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर है, प्लस इसका स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 है, माइनस क्यों, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव बन के प्लस 2 × a × b, तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है, इसके साथ में मल्टीप्लाई ये होगा, मल्टीप्लाई में 2 होगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 3a बचेगा तो -3 है, क्लियर है। तो आज की क्लास में अपने दो आइडेंटिटी नहीं सीख के एक ही आइडेंटिटी को दो आइडेंटिटी में यूज कर लिया है, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, याद रखना माइनस साइन कहाँ आता है, ओनली 2ab वाले टर्म में, ठीक है, स्क्वायर वाले में माइनस नहीं आता है, ये ध्यान रखना है। और वहाँ भी क्यों आया एक बार देख लो इस चीज़ को, कि जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर फाइंड करते हो और हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a² + 2ab + b², तो भाई यहाँ भी a है तो a का स्क्वायर में, तो स्क्वायर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्क्वायर वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। 2ab यहाँ जब मैं 2 रखूँगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, a रखा कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पॉजिटिव है, b की जगह क्या बैठा हुआ है माइनस बी, तो इसका मतलब बन जाएगी टर्म माइनस, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कल करते हैं, एक दो एक लेक्चर और लगेंगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में, ओके।